नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम। तो अभी मैं फिलहाल अपने गुरुजी के साथ में घूमने आया हूँ, मतलब गुरुजी के पास मिलने आया हूँ। काफ़ी टाइम हो चुका था, तो गुरुजी हमें बता रहे थे कि उन्हें चार पत्ते वाले बेलपत्र प्राप्त हो जो कि हमें देने वाले, तो चले देखते हैं। और हमने कई वीडियो में बताया कि सावन के महीने में बेलपत्र का विशेष महत्व होता है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये इसमें चार पत्ते लगे हुए हैं, बेल के पत्ते हैं। और शास्त्रों में ये बताया जाता है कि दर्शनम बिल्व पत्र से स्पर्शनम पाप नाशनम, अर्थात बेलपत्र का दर्शन कर लेने मात्र से सभी प्रकार के पाप का शमन होता है। चार पत्ते वाला देख लीजिए। तो हमने कई वीडियो में बताया कि इस प्रकार के अगर अद्भुत पत्ते वाले बेलपत्र आपको प्राप्त हो जाते हैं तो आप इसे अपने पास में अवश्य रखा करें। आपको किसी को देना नहीं है, नहीं आपको इसे विसर्जित करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, भगवान शिव जी को चढ़ाने के बाद इसे विसर्जित कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसमें थोड़ा सा चंदन लगा करके अपने पर्स में या सफ़ेद कपड़े में बांध करके लपेट करके हमेशा पास में रखें, क्योंकि स्कंद पुराण के अनुसार जब एक बार माता पार्वती पसीने की बूंद मद्राचल पर्वत पर गिरा तो उस समय बेल के पेड़ निकल आए थे। चूँकि पार्वती के पसीने गिरने के कारण माता पार्वती के सभी स्वरूप इसमें विराजमान रहते हैं, जो बेल के पत्ते में स्वयं माँ पार्वती निवास करते हैं। बाकी उनके जितने भी स्वरूप हैं बेल के पत्ते पर, बेल के वृक्ष पर निवास करते हैं, और भगवान शिव का भी इसे स्वरूप बताया जाता है। तो अगर आपको इसी प्रकार के चार पत्ते वाले बेलपत्र मिल जाते हैं तो आप भी अपने पास में रखें। ये धन वैभव प्राप्त करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। जब तक ये आपके पर्स में रहेंगे, आपकी तिजोरी में रहेंगे, कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो ये थी आज के छोटे से जानकारी कैसा लगे हमें ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।